और उस कैमरे में यह पता चला। गाइस, प्रो राइडर AK अगस्त्य चौहान से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। फाइनली अब अलीगढ़ पुलिस ने प्रो राइडर बाइक एक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो भाई सबसे पहले पुलिस ने बताया कि 5 घंटे ढूंढने के बाद झाड़ियों में उन्हें प्रो राइडर का कैमरा मिला था, जिसमें उन्हें एक्सीडेंट से पहले की फुटेज मिली है। उसे देखने के बाद पुलिस ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। 3 मई को जनपद अलीगढ़ पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर डेथ हो गई है, और इस संबंध को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है, जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है, जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोज़ को देखते हैं। इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है, और उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी, जो उसमें दर्शाई गई है। और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। और इसमें यह भी बता दें, रोड सेफ्टी के एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर अपनाते हैं, जो कि एक जोखिम भरा कार्य है। इन्हीं हाईवेज पर कई लोग अपने परिवार के साथ, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, निर्धारित गति से उसमें चलते हैं, और उन लोगों को भी इस तरह की जो हरकतें हैं इससे काफ़ी परेशानी होती है। जहां एक ओर अगस्त चौहान की मृत्यु से उनके परिजनों में, उनके जान पहचान में के लोगों में एवं दोस्तों में एवं काफ़ी दुख की लहर है, वहीं जनपदीय पुलिस भी इस घटना पर इनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करती है। साथ ही यह सबको बताना भी चाहती है कि फिर और कोई युवक इस तरह की घटना का शिकार ना हो। इस तरह की असामयिक मृत्यु, जो कि काफी दुख का कारण परिजनों के लिए बन सकती है, ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सभी को सचेत रहने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं। और साथ ही ये चाहते हैं कि निर्धारित स्पीड पर ही बाइकर्स और राइडर्स जो हैं अपनी मोटरसाइकिल इस तरह के हाईवेज पर जो हैं वहां पर स्टंट ना करें और नियमों का पालन करें। तो गाइस, पुलिस के बयान के बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आना बाकी है और साथ में इस केस से रिलेटेड बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। तो अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।